हुर्केश्वर थाना अंतर्गत एक युवक को सुरक्षा की दृष्टि से 4,50,000 रुपए अपने ही दोस्त के घर में रखना भारी पड़ गया। उसे 4,50,000 रुपए के एवज में नकली नोट थमा दिए गए थे। उससे स्टैंप पेपर साइन कराकर सारी रकम हड़प ली गई। आरोपी खरबी तरोड़ी निवासी विनोद बिसनजी पाटिल बताया गया। जानकारी के अनुसार न्यू अमरनगर में किराए के मकान में रहने वाले प्रवीण हीरादास मल्लेवार और विनोद एक ही गांव के होने से उनके बीच अच्छी जान पहचान थी। विनोद अपनी पत्नी के साथ रहता है। बातचीत के दौरान प्रवीण ने विनोद को एक प्लॉट खरीदने की इच्छा जताई। कुछ दिनों बाद विनोद ने उसे एक दलाल के माध्यम से जीजा माता नगर में वैष्णव लेआउट में 800 वर्ग फीट का प्लॉट दिखाया। प्रवीण को प्लॉट पसंद आया और 5,85,000 में सौदा कर दिया। दलाल भूते को 11,000 रुपए बयाना देकर स्टैंप पेपर बना लिया गया। इसके बाद प्रवीण ने अपने पास जमा और रिश्तेदारों की मदद से 4,50,000 रुपए जमा कर लिए। लेकिन इतनी बड़ी रकम घर में होने से चोरी के डर से वह विनोद की यहाँ पहुंचा। विनोद को रकम उसके घर रखने को कहकर वहां से चला गया। अगले दिन रकम मांगने पर विनोद ने काम का बहाना बनाकर शाम को रकम देने की बात कही। अगली सुबह जब प्रवीण फिर रकम मांगने गया तो विनोद उसे जबरन घर भी ले गया, जहां दलाल और कुछ लोग पहले से मौजूद थे। प्रवीण का आरोप है कि वहां उससे बिना पढ़े एक स्टैंप पेपर पर साइन करवा लिए गए। फिर बताया गया कि इस पर लिखा गया है कि उन्होंने सारी रकम लौटा दी है। इसके बाद विनोद ने उसे धमका कर वहां से भगा दिया। एक फिरियादी नाम है प्रवीण हरिदास मल्लेवार, हे गार्डनिंगचं काम करतात आणि त्यांनी आपल्याकडे एक लेखी तक्रार केली होती की त्यांनी प्लॉट खरेदी करण्यासाठी 4,50,000 रुपये जमवले होते। तर त्यांच्याच गावचा तिरोडा जिल्हा गोंदियाचा राहणारा एक मित्र त्यांचा विनोद बिसनजी पाटील यांनी त्याला सांगितलं की तुझे ते 4,50,000 रुपये तुझ्याकडे सुरक्षित नाही राहणार, तर तू माझ्याकडे ते ठेवायला। तर त्यांनी त्याच्याकडे विश्वासाने 4,50,000 रुपये दिले होते। त्या पती पत्नींनी ते मोजून घेतले होते असं फिर्यादी सांगत आहेत। तर त्यानंतर फिर्यादी जेव्हा त्यांना 2 दिवसांनी पैसे परत मागायला गेला तेव्हा हे विनोद पाटील याने एका लाल कपड्याच्या पिशवीमध्ये काही नोटा गुंडाळून त्याला दिल्या आणि हे तुझे पैसे असं सांगितलं। फिर्यादीला संशय आला, त्याने ते बघितलं असता ते लहान मुलांच्या खेळण्याच्या ज्या मनोरंजन बँक म्हणून अशा ज्या नोटा असतात त्या 500 आणि 2,000 असे अंक लिहिलेल्या त्या नोटा होत्या। अपने साथ हुई धोखाधड़ी से परेशान प्रवीण ने पुलिस से सहायता मांगी और विनोद के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।